एपीटीवी भारत आवाज देश की। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। जगह जगह पानी भर गया है। पहली बार हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। खड़खड़ी शमशान घाट के निकट सूखी नदी में बारिश के चलते आए पानी में एक कार बह गई। बताया जा रहा है कि कार चालक शमशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आया था, मगर अचानक हुई मूसलाधार बारिश से सूखी नदी में काफी पानी आ गया और उसकी कार पानी की चपेट में आ गई और देखते ही देखते उसकी कार पानी में बहने लगी। वहाँ खड़े लोग कार को पानी में बहता हुआ देख रहे थे और कार देखते ही देखते गंगा में समा गई। बताया जा रहा है जिस वक्त ये कार पानी में बह रही थी उस वक्त कार का मालिक वहीं खड़ा था। इसके अलावा धर्मनगरी के सबसे व्यस्त इलाके रानीपुर स्थित चंद्राचार्य चौक पर चारों तरफ बारिश के चलते पानी भर गया। पानी इतना था कि वहाँ से निकलने वाला ट्रैफिक भी रुक गया और बच्चे उसमें तैरते हुए दिखाई दिए, जबकि वहाँ पर खड़े दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन पानी में डूबे हुए दिखाई दिए और इस भरे हुए पानी से लोग बड़ी मुश्किल से निकल पाए। तो वहीं इस पानी में फंसी एम्बुलेंस को भी बड़ी परेशानियों के बाद बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन के पास भी जगह जगह पानी भर गया, जिसके चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एपीटीवी भारत के लिए हरिद्वार से ज्ञान प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर